हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल माँ वंदना केमिस्ट्री क्लासेस। लास्ट जो हमने वीडियो देखी थी, जो थी केमिकल बॉन्डिंग का पार्ट नंबर 5th, उसके अंदर हमने क्या डिस्कस किया था भाई? जिसने भी वीडियो नहीं देखी है जल्दी से जाके देखिए। मैं एक्चुअली में कम्युनिटी टैब के अंदर भी आपको जो है इतना वक्त भी नहीं मुझे मिलता है कि मैं कम्युनिटी टैब के अंदर भी आपको इन्फॉर्म कर सकूँ, बिकॉज़ टाइम बहुत कम मिल रहा है मुझे। इस वजह से मैं बिल्कुल ज़्यादा जो है कम्युनिटी टैब पे ऐड नहीं कर पा रही हूँ जो भी वीडियोस हैं। तो लेकिन जितना भी है, जैसे कि सबके मेरे पास मैसेजेस आ रहे थे कि मैम हमारे एग्ज़ाम्स स्टार्ट होने वाले हैं, तो प्लीज़ आप इस चैप्टर को जल्दी जल्दी अपलोड कर दीजिए। तो मैं बिल्कुल हमेशा मतलब डेली जो है अपलोड करने की कोशिश कर रही हूँ। अब यही कोशिश करूँगी कि डेली एक वीडियो आप लोगों के लिए डाल दूँ, चाहे वो 11th क्लास की हो चाहे वो 12th क्लास की हो। ये जो चैप्टर मैं आपसे डिस्कस कर रही हूँ बिल्कुल बेसिक में आपको करवा रही हूँ, बिल्कुल जैसे कहते हैं ना ABCD से स्टार्ट करते हैं। जिनको नहीं भी आता हो उनके लिए भी बहुत ज़्यादा इजी हो जाएगा इस चैप्टर को पढ़ना। ओके, तो इसलिए अगर आपको पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके ज़रूर जाइएगा, बिना लाइक के मत जाया कीजिए। बिकॉज जो है समझ नहीं आता है, फिर आपको सही तरीके से आप समझ रहे हैं इस चैप्टर को कि नहीं समझ रहे हैं। लाइक कर रहे हैं, कॉमेंट कर रहे हैं, तो इट्स लाइक यू नो कनेक्टिंग लिंक कि आप लोगों को भी समझ रहा है और मेरा जो पढ़ाया है वो वे भी जो है आप लोगों के लिए अंडरस्टैंडिंग है। ठीक है, चलिए तो अभी वीडियो स्टार्ट करते हैं। लास्ट जो हमने केमिकल बॉन्डिंग का पार्ट नंबर 5th देखा था, उसके अंदर हमने क्या डिस्कस किया था? वेस्पर थ्योरी के बारे में हमने डिस्कशन किया था। आपको बेसिक मैंने बता दिया था कि वेस्पर थ्योरी जो है, वेस्पर थ्योरी किसने बताई थी भी? सबसे पहले जो है वेस्पर थ्योरी बताई थी, दो साइंटिस्ट जो आए थे, पहले तो जो थे हमारे सिजविक ने बताई थी, और बताई थी किसने साथ में? बताई थी पोवेल ने। ठीक है, सिजविक और पोवेल ने बताई थी 1940 के अंदर। फिर उसके अंदर कुछ चेंजेस कर दिए गए, उसको थोड़ा बहुत मॉडिफाई कर दिया गया, और जो चेंजेस करने के बाद में थ्योरी आई थी वो बताई थी नायलम एंड गिलेस्पी ने। ठीक है, नायलम एंड गिलेस्पी ने, और वो बताई गई थी 1957 के अंदर। ठीक है भाई, एक चीज़ और मैंने आपको बताई थी कि ये जो थ्योरी है वेस्पर थ्योरी बॉन्डिंग और नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पर ही बेस्ड है, कम्प्लीटली नॉन बॉन्डिंग बॉन्डिंग और नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स पर बेस्ड है। और ये थ्योरी क्यों डिवाइस की गई थी भाई, ये थ्योरी निकाली क्यों गई थी? क्योंकि लेविस कंसेप्ट के अकॉर्डिंग तो कोई भी मॉलिक्यूल जो बन रहा है वो ऑक्टेट रूल बना रहा है, उसका जो लेविस कंसेप्ट का जो थ्योरी थी वो इतनी लिमिटेड थी। लेकिन वेस्पर थ्योरी ने क्या बताया, जब भी कोई मॉलिक्यूल बन रहा है तो उस मॉलिक्यूल की स्ट्रक्चर क्या रहती है उसके बारे में इस थ्योरी के अंदर सबसे ज़्यादा बताया हुआ है, सबसे ज़्यादा एक्सप्लेनेशन जो है वो उसी के बारे में है। चलिए, इस थ्योरी के अंदर मेनली जो हम स्टडी करेंगे वो क्या होगा भाई, मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो चीज़ होगी वो क्या होगी, इंटरैक्शन बिटवीन बॉन्डिंग एंड नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स। यानी किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर कितने बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स हैं और कितने नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन हैं, उनका इंटरैक्शन किस वे से हो रहा है उसके बारे में हम सारा का सारा डिस्कशन करेंगे। चलिए भाई, इस थ्योरी के हर एक थ्योरी के अपने कुछ पोस्टुलेट्स होते हैं, हर एक थ्योरी के अपने कुछ रूल्स होते हैं। इस थ्योरी के भी कुछ क्या थे, पोस्टुलेट्स थे। ठीक है, आज हम ये थ्योरी वेस्पर थ्योरी जो है वो कंप्लीट कर देंगे। इस थ्योरी के कुछ पोस्टुलेट थे, सबसे पहला पोस्टुलेट क्या था इस थ्योरी का समझना भाई, सबसे पहला पोस्टुलेट ये था कि द शेप ऑफ मॉलिक्यूल डिपेंड अपॉन नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स। बी ई का मतलब क्या है, नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स एंड नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट अराउंड सेंट्रल एटम। यानी सेंट्रल एटम के अराउंड कितने बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, कितने नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन का मैंने एक और जो है सेंटेंस या एक और वर्ड से नाम दिया था, वो क्या था, लोन पेयर। ठीक है, नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स को लोन पेयर भी कहा जाता है। यानी सेंट्रल एटम के अराउंड कितने बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स हैं, कितने नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स हैं, वही मेन रिस्पॉन्सिबल होता है उसकी स्ट्रक्चर के लिए। पोस्टुलेट करते हैं, फिर उसके बाद एग्जाम्पल बताऊँगी आपको, डोंट वरी। ठीक है, सेकंड पोस्टुलेट ये कहता है कि भाई जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ऑफ वैलेंस शेल, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होते हैं किसके, वैलेंस शेल के, वो क्या करते हैं, रिपेल वन अनादर। ठीक है, ये क्या कहा गया है भाई कि फॉर एग्जांपल मेरे पास कोई मॉलिक्यूल है AB2,
ठीक है, ए बी टू मॉलिक्यूल है, इसमें फर्स्ट वाला भी पॉइंट आ रहा है, इसमें सेकंड वाला पॉइंट भी आ रहा है, दोनों समझना। ए बी टू तरीके का कोई मॉलिक्यूल है, इसमें सेंट्रल एटम जो है मेरा ए है, ठीक है, और जो साइड एटम्स हैं वो मेरे हैं बी। सेंट्रल एटम कौन सा होता है? ए, जो लेस अमाउंट में प्रेजेंट होता है सेंट्रल एटम हो गया, ठीक है। तो ए बी टू में से सेंट्रल एटम कौन सा हो गया? ए। ए के वैलेंस इलेक्ट्रॉन बाई चांस मान लेते हैं चार हैं, ठीक है, एक दो तीन चार, ठीक है। बी जो है उसके हमने बाई चांस मान लेते हैं एक दो तीन चार पाँच छः और सात इलेक्ट्रॉन्स है इसके पास में, ठीक है। तो सॉरी, ये मैंने क्रॉस से बना दिए, तो सात इलेक्ट्रॉन्स बी के पास है, फॉर एग्जांपल ले रही हूँ मैं, ठीक है। सात इलेक्ट्रॉन्स बी के पास है, ए ने इस बी के साथ में इस तरीके से बॉन्डिंग बना ली, देन इसके अंदर बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स, सेंट्रल एटम के बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स जो है वो तो कितने हुए भाई? दो हुए। और जो नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स हैं, नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स, वो भी कितने हुए? दो। तो अब देखिए होता क्या है, ये तो अपना काम लग गए, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स जो है वो तो बॉन्डिंग बना ली उन्होंने, वो तो अपने काम लग गए। नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स जो है वो बच गए किसे? एज अ लोन पेयर बच गए वो, ठीक है। लोन पेयर की तरह, यानी कि बिना जिसके कोई काम हो, जैसे जो आवारा बैठे रहते हों, कोई काम नहीं कर रहे हों, वो हो गए मेरे नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स। अब होता क्या है भाई, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑफ वैलेंस शेल रिपेल ई वन अनदर, यानी कि पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वैलेंस शेल के अंदर, अब इसके अंदर वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं भाई? चार हैं। तो ये चारों के चारों वैलेंस इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को क्या करते हैं? रिपेल करते हैं। क्यों करते हैं रिपेल, ये भी देखिए होता क्या है। बाई चांस मान लेते हैं ये मेरा कोई इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, इसी तरीके से ऐसा कोई दूसरा इलेक्ट्रॉन है, ये मेरा ए एटम है, जैसे कि ये वाला एटम है, ठीक है। इन दोनों के अराउंड मेरे दो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, ये दोनों इलेक्ट्रॉन आपको पता होगा दो तरीके से मोशन करते हैं, एक तो करते हैं ऑर्बिटल मोशन और एक करते हैं स्पिन मोशन, ठीक है। एक तो कक्षीय करते हैं और एक चक्रण गति करते हैं। ऑर्बिटल मोशन के अंदर क्या होते हैं, ये इलेक्ट्रॉन क्या है, मूव करते रहते हैं इसके न्यूक्लियस के अराउंड, जो एटम ए होगा इसके न्यूक्लियस के अराउंड क्या करते रहेंगे, रिवॉल्व करते रहेंगे। मैंने आपको बताया है शायद पहले भी, या 11th में आया हुआ ये, फॉर एग्जाम्पल ये मेरा कोई भी इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, बाई चांस ये मेरा कोई भी न्यूक्लियस है, इस न्यूक्लियस के अराउंड ये मेरा इलेक्ट्रॉन इस तरीके से रिवॉल्व कर रहा है, ठीक है, ये हो गया ऑर्बिटल मोशन। स्पिन मोशन कौन सा होता है, ऑर्बिट के साथ रिमूव करने के साथ साथ ये अपनी स्पिन पे भी मूव कर रहा है, ये हो गया स्पिन मोशन, ठीक है भाई। तो ऑर्बिटल और स्पिन मोशन दोनों करता है, तो ऑर्बिटल मोशन तो करता ही है, साथ ही साथ ये क्या करता है, अपनी स्पिन पे भी घूमता रहता है। तो अपनी स्पिन पे इतनी फास्टली घूमता है ये, कि जिस वजह से क्या होता है, एक तरीके से यहाँ फोग बनना शुरू हो जाता है, फोग यानी धुंधली धुंधली जो है इस इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट की वजह से धुंधला धुंधला कुछ पार्ट बनना शुरू हो जाता है, उसको कहा जाता है इलेक्ट्रॉन क्लाउड, ठीक है, इलेक्ट्रॉन क्लाउड, जिसको हिंदी में बोलते हैं इलेक्ट्रॉन अभ्र, ठीक है भाई। इलेक्ट्रॉन क्लाउड जो होता है वो बनना शुरू हो जाता है, तो जैसे इसका इलेक्ट्रॉन क्लाउड बनेगा वैसे इसका इलेक्ट्रॉन क्लाउड बनेगा। दोनों का इलेक्ट्रॉन क्लाउड क्या करेगा, नेगेटिवली चार्ज होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज होते हैं, तो दोनों का इलेक्ट्रॉन क्लाउड नेगेटिवली चार्ज होगा, जिस वजह से दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे। तो हमेशा ध्यान रखिएगा, कोई भी एटम जो कोई भी सेंट्रल एटम प्रेजेंट होगा मॉलिक्यूल के अंदर, उसके इलेक्ट्रॉन्स जितने भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे वो सब एक दूसरे को रिपेल करेंगे, भले वो लोन पेयर हो भले वो बॉन्ड पेयर हो, ठीक है, वो क्या करेंगे, सब एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। क्यों? क्योंकि इनके इलेक्ट्रॉन क्लाउड जो होते हैं वो नेगेटिवली चार्ज होते हैं, वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं। इस वजह से क्या होता है भाई, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं। ये होगी सेकेंड पोस्टुलेट की बात। अब आते हैं थर्ड पोस्टुलेट पे। थर्ड पॉइंट जो है, थर्ड पॉस्टुलेट ये कहता है कि भाई जो वैलेंस शेल होती है, वैलेंस शेल को क्या किया जाता है, एक तरीके से ले लिया जाता है, एक स्फेयर की फॉर्म में ले लिया जाता है, इज टेकन एज अ स्फेयर, उसको क्या है, स्फेयर ले लिया जाता है, जिसके अंदर ये माना जाता है कि जिसमें क्या है, इलेक्ट्रॉन पेयर जो होते हैं, इलेक्ट्रॉन पेयर क्या होते हैं भाई, एक दूसरे से मैक्सिमम डिस्टेंस पे रहते हैं। इलेक्ट्रॉन पेयर आर प्रेजेंट एट मैक्सिमम डिस्टेंस फ्रॉम ईच अदर, ठीक है, क्या प्रेजेंट होते हैं, एज अ मैक्सिमम डिस्टेंस जो होते हैं फ्रॉम वन अनदर। यानी कि इसका मतलब क्या है, अच्छे से समझ लीजिए कि फॉर एग्जांपल कोई भी एटम के अंदर जो वैलेंस शेल होती है, ठीक है, फॉर ये मेरा कोई भी एटम है, ठीक है, उसके अंदर ये जो है मेरी ये वैलेंस शेल है, ठीक है, इस वैलेंस शेल को एज अ स्फीयर लिया जाता है, और इसके अंदर ये माना जाता है कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो एक दूसरे से मैक्सिमम दूरी पे हैं। फॉर एग्जांपल दो इलेक्ट्रॉन है तो वो एक दूसरे से मैक्सिमम दूरी पे हैं, तभी तो वो एटम क्या हो रहा है, स्टेबल रह रहा है, ठीक है भाई। ये था थर्ड पोस्टुलेट। अब बात करते हैं फोर्थ पोस्टुलेट की, जो कि है
सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पोस्टुलेट ये वेस्पर थ्योरी का, जिसको कहते हैं कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट पोस्टुलेट और बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ जो इसके अंदर बताई गई थी वो ये थी कि भाई कोई भी मॉलिक्यूल जो है, ठीक है, उसकी अगर मॉलिक्यूल इज़ हैविंग मोर देन वन रेजोनेंस स्ट्रक्चर, ये यूँ कहें मॉलिक्यूल इज़ हैविंग मोर देन वन रेजोनेंस स्ट्रक्चर, रेजोनेंस स्ट्रक्चर जो है वो मैं आपको बता चुकी हूँ, ठीक है, कोई भी मॉलिक्यूल की अगर एक से ज़्यादा रेजोनेंस स्ट्रक्चर होती है तो उसके अंदर सबसे ज़्यादा स्टेबल स्ट्रक्चर जो है वो कौन सी मानी जाएगी, जिसके अंदर लोन पेयर रिपल्शन जो है वो लोन पेयर रिपल्शन जो है वो सबसे कम हो रहा हो, पॉइंट इस तरीके से है कि कोई भी मॉलिक्यूल जो है उसकी अगर एक से ज़्यादा रेजोनेंस स्ट्रक्चर होगी तो सबसे स्टेबल, मोस्ट स्टेबल स्ट्रक्चर कौन सी होगी भाई, मोस्ट स्टेबल स्ट्रक्चर वो होगी जिसके अंदर क्या हो, मैक्सिमम तो स्टेबिलिटी हो, ठीक है, मैक्सिमम स्टेबिलिटी हो और मिनिमम क्या हो, रिपल्शन हो। ये लाइन आपकी बुक के अंदर नहीं मिलेगी, आपको ये ध्यान रखिएगा, एक मॉलिक्यूल जो है वो सबसे ज़्यादा स्टेबल या फिर यूँ कहें जिसकी एक से ज़्यादा रेजोनेंस स्ट्रक्चर होगी वो सबसे ज़्यादा स्टेबल कब होगा, या उन जैसे फॉर एग्जांपल मान लेते हैं हमने देखा था CO2 की स्ट्रक्चर देखी थी, तो उसकी एक दो और तीन उसकी रेजोनेंस स्ट्रक्चर बन रही थी, तो उसमें सबसे ज़्यादा स्टेबल रेजोनेंस स्ट्रक्चर वो होगी जिसमें मैक्सिमम तो स्टेबिलिटी हो और मिनिमम रिपल्शन हो, ठीक है। अब इसका मतलब क्या है, मैक्सिमम स्टेबिलिटी मिनिमम रिपल्शन क्या है, वेस्पर थ्योरी ने बताया था कि कोई भी मॉलिक्यूल के अंदर जो रिपल्शन का जो क्या कहते हैं कि रिपल्शन की जो सीरीज़ होती है वो इस तरीके से होती है कि अगर कोई भी मॉलिक्यूल के अंदर लोन पेयर प्रेजेंट है तो उसमें लोन पेयर रिपल्शन जो है वो सबसे ज़्यादा होगा, बॉन्ड पेयर रिपल्शन जो है वो उससे कम होगा और बॉन्ड पेयर रिपल्शन जो है वो सबसे कम होगा। यानी कि एक मॉलिक्यूल के अंदर हमेशा लोन पेयर रिपल्शन सबसे ज़्यादा होगा, फिर होगा लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन और फिर होगा बॉन्ड पेयर रिपल्शन, ठीक है भाई, समझ आई ये चीज़। अब देखिए इसको समझाने के लिए नायलम और गिलिस्पी जो है इन दोनों ने एक बात बताई थी कि फॉर एग्ज़ाम्पल मान लेते हैं ये मेरा AB2 तरीके का मैंने आपको बताया था कोई भी मॉलिक्यूल है जिसके अंदर ये बी जो है ये इससे जुड़ा हुआ है, ठीक है भाई, बी क्या कर रहा है इसके साथ में बॉन्डिंग बना रहा है, तो इसके अंदर लोन पेयर कितने हैं, एक लोन पेयर है, देखो लोन पेयर की बात हो तो एक लोन पेयर हो, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स पूछे जाएँ तो दो इलेक्ट्रॉन्स की बात होगी, पेयर तो एक ही है, दो का एक ही पेयर बनेगा, तो लोन पेयर जो है वो एक होगा, इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे वो दो होंगे, ठीक है भाई। तो अब इसके अंदर क्या बताया गया, इसके अंदर ये कहा गया कि भाई जैसे ए है हमारा वो क्या करेगा अपने वैलेंस इलेक्ट्रॉन में से एक एक इलेक्ट्रॉन बी के साथ में शेयर कर लेगा, तो अब होता क्या है कि ये जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ये इस तरीके से प्रेजेंट हो जाते हैं, ठीक है, यानी कि ए और बी के जो इलेक्ट्रॉन जो ये शेयर कर रहे हैं ये इन दोनों के बिल्कुल बीचों बीच आ जाते हैं, जबकि जो लोन पेयर है वो तो एटम जो सेंट्रल एटम है उसी पे ही एडजस्टेड रहता है, उसी के ऊपर बैठा रहता है, ये तो कहीं पे भी मूव नहीं कर रहा, ये मेरा लोन पेयर हो गया। बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन जो है वो तो फिर भी बी के साथ में शेयर हो रहे हैं तो वो ए से थोड़ा दूर हो जाते हैं, लेकिन होता क्या है कि जो लोन पेयर प्रेजेंट होता है वो तो ए पे ही बैठा रहता है, वो तो कहीं पे भी मूव नहीं होता, तो इस वजह से क्या होता है लोन पेयर जो होता है वो क्या होता है ज़्यादा स्पेस कवर करता है, यानी कि लोन पेयर जो होता है सेंट्रल एटम पे ज़्यादा स्पेस कवर किए रखता है। अब ये मैंने तो एक लोन पेयर वाला एटम ले लिया, एक लोन पेयर वाला मॉलिक्यूल ले लिया, फॉर एग्जांपल अगर किसी मॉलिक्यूल के पास में दो लोन पेयर होंगे तो दोनों बहुत ज़्यादा फैले हुए रहते हैं तो ऑब्वियसली मैंने आपको क्या बताया लोन पेयर में रिपल्शन ज़्यादा होगा, ठीक है, तो फैले हुए रहेंगे तो इनके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो क्या करेंगे एक दूसरे को रिपेल करेंगे, एक दूसरे को प्रतिघर्षित करेंगे, जिस वजह से लोन पेयर में सबसे ज़्यादा रिपल्शन होता है, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल इसके अंदर एक ही लोन पेयर है तो ये क्या करेगा इन बॉन्ड पेयर के जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है उनसे रिपेल होगा, तो अगर जिसके अंदर एक ही लोन पेयर हो तो उसमें बॉन्ड पेयर रिपल्शन ज़्यादा होगा, ठीक है भाई। अगर किसी के अंदर लोन पेयर हो ही नहीं, लोन पेयर जीरो हो जिसके अंदर, तो उनके अंदर बॉन्डिंग जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो भी एक दूसरे को रिपेल करेंगे, लेकिन इन दोनों के कंपैरिजन में बहुत कम रिपल्शन होगा इसके बीच में,
समझ आ गई ये चीज़ कि पहले तो भाई सबसे ज़्यादा ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पॉइंट जो आता है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा भाई, ये बहुत आगे हायर क्लासेस में आपके इंक्लूड होएगा कि सबसे ज़्यादा रिपल्शन जो होता है वो लोन पेयर के बीच में होता है, फिर उससे कम होता है लोन पेयर बॉन्ड पेयर के बीच में, और सबसे कम जो होता है वो होता है बॉन्ड पेयर के बीच में, ठीक है। अब इसको हम एक जो होता है ना कैजुअल एग्जाम्पल, मैंने आपको बताया था केमिस्ट्री हमारी जो है वो नॉर्मल लाइफ से रिलेटेड है, तो अब एक कैजुअल एग्जाम्पल ले लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक घर है, यानी एक फैमिली है, उस फैमिली के अंदर क्या है, मदर है, फादर है, ठीक है, और जो है दो उनके क्या है, चिल्ड्रंस हैं, दो उनके बच्चे हैं, ठीक है। अब दोनों चिल्ड्रंस क्या होते हैं, ऑलमोस्ट जैसे मानते हैं ना कि ब्रदर सिस्टर या फिर सिस्टर सिस्टर भी हो, तो होता क्या है भाई, जब नॉर्मली हम लोग स्कूल चले जाते हैं तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, फॉर एग्जांपल कभी संडे हो, संडे के दिन अगर बैठे रहते हैं तो कोई छोटी छोटी बातों पर उन दोनों बच्चों के बीच में क्या है, झगड़ा होने ही लग जाता है, ठीक है। क्या होता है, झगड़ा होने लग जाता है, क्यों, क्योंकि संडे को हम क्या है, रिलैक्स करते हैं, कोई काम नहीं होता हमारे पास में, एक तरीके से हम क्या होते हैं, लोन पेयर की तरीके से बिहेव करते हैं, ठीक है। संडे के दिन हम क्या होते हैं, लोन पेयर की तरह बिहेव करते हैं, तो होता क्या है, जैसे ही लोन पेयर बन जाते हैं हम संडे के दिन फ्री हो जाते हैं तो हम क्या है, झगड़ना शुरू कर देते हैं, ठीक है। तो हमारे पेरेंट्स क्या कहते हैं, तुम एक इस कमरे में जाओ और तुम एक उस कमरे में जाओ ताकि तुम झगड़ा कम करोगे, दोनों एक दूसरे से दूर दूर बैठो। तो होता क्या है भाई कि जैसे ही हम दोनों लोन, जैसे ही दोनों लोन पेयर एक दूसरे से झगड़ा करने लगते हैं, हमारे जो पेरेंट्स हमें कहते हैं एक दूसरे से दूर दूर जाओ, बिल्कुल वही चीज़ इनके अंदर होती है। एक मॉलिक्यूल सबसे ज़्यादा स्टेबल कब होता है, जब उसके अंदर मैक्सिमम स्टेबिलिटी हो। मैक्सिमम स्टेबिलिटी उसके अंदर कब होगी, जब दोनों लोन पेयर एक दूसरे से दूर दूर हो, यानी उसके अंदर मिनिमम रिपल्शन होगा, ठीक है। और लोन पेयर के अंदर, लोन पेयर के अंदर सबसे ज़्यादा रिपल्शन हो रहा है, तो दोनों लोन पेयर जब एक दूसरे से बिल्कुल दूर रहेंगे तो उनके अंदर क्या होगा, मिनिमम रिपल्शन होगा। दोनों बच्चों को दूर दूर अलग अलग रूम में बैठा दिया जाएगा तो उनमें रिपल्शन होगा नहीं, तो जिस वजह से वो झगड़ेंगे कम, ठीक है। तो वही बात इसके अंदर बताई हुई है कि मैक्सिमम स्टेबिलिटी और मिनिमम रिपल्शन होना चाहिए, जिस वजह से क्या होगा, उनके अंदर बहुत ज़्यादा स्टेबिलिटी होगी। अब फॉर एग्जाम्पल हम स्कूल चले जाते हैं, वर्किंग डेज जो होते हैं हमारे, मंडे टू सैटरडे जो होते हैं उसमें हम लोग काम लगे रहते हैं, स्कूल चले जाते हैं, स्कूल से आगे हमें होमवर्क मिल जाता है, वो करने लग जाते हैं, तो उसमें हम बिजी रहते हैं, तो हम एक तरीके से बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन का काम करते हैं कि हम क्या है, काम में लगे हुए, हमारे पास झगड़ने का टाइम ही नहीं है, ठीक है। तो इस वजह से क्या है, उसके अंदर बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स, बॉन्डिंग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं उनके अंदर सबसे कम रिपल्शन होता है। तो अब गिलिस्पी और नायलम ने एक बात बताई थी भाई, उन्होंने बात ये बताई थी कि जिस भी मॉलिक्यूल के अंदर एक भी लोन पेयर नहीं होगा उनके अंदर रिपल्शन कम होगा, उनकी स्ट्रक्चर जो होगी वो क्या होगी, रेगुलर होगी। यानी नो लोन पेयर तो उनकी स्ट्रक्चर क्या होगी, रेगुलर होगी। रेगुलर यानी कि जो नॉर्मल होनी चाहिए स्ट्रक्चर मॉलिक्यूल्स की, वो होगी। और अगर लोन पेयर प्रेजेंट हो तो उनकी स्ट्रक्चर हो जाती है डिस्टॉर्टेड, डिस्टॉर्टेड यानी विकृत हो जाती है, इररेगुलर हो जाती है। क्यों, क्योंकि उनके अंदर लोन पेयर का रिपल्शन होने लग जाता है, या तो लोन पेयर के साथ में होने लग जाता है या बॉन्ड पेयर के साथ में रिपल्शन होने लग जाता है, तो इस वजह से उनकी रेगुलर स्ट्रक्चर ना होकर डिस्टॉर्टेड इररेगुलर स्ट्रक्चर हो जाती है। इररेगुलर स्ट्रक्चर जब बनती है तो उसके अंदर अपने आप को इस तरीके से अरेंज करते हैं उस इररेगुलर स्ट्रक्चर में कि उसके अंदर मिनिमम रिपल्शन हो, ठीक है भाई। अब इसकी जो हम है एक तरीके से एक आपको टेबल बताती हूँ, उस टेबल के अंदर आपको समझ आएगा कि जिसमें लोन पेयर हो जिसमें लोन पेयर नहीं हो, तो वो टेबल देखिए पहले। चलिए भाई, सबसे पहले ऐसे मॉलिक्यूल्स देखते हैं जिसमें सेंट्रल एटम के पास में कोई भी लोन पेयर नहीं हो, यानी कि वो शांति से रह रहा हो अपना, सारे के सारे लोग जो हैं वो काम लगे हुए हों, कोई भी वेला बंदा नहीं हो उसके अंदर, ठीक है, कोई भी फ्री पर्सन नहीं हो उसके अंदर, ठीक है, सब काम में लगे हुए हों। तो उसके अंदर हम सबसे पहले देखेंगे कि उसके अंदर इलेक्ट्रॉन पेयर कितने हैं सेंट्रल एटम के, ठीक है। हमेशा ध्यान रखिएगा मॉलिक्यूल की स्ट्रक्चर उसके सेंट्रल एटम के इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स से ही डिसाइड होती है, उसके जो है सेंट्रल एटम की ही बात की जाएगी, ओके भाई। चलिए सबसे पहले देखते हैं कि कोई भी मॉलिक्यूल हो जिसके अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर दो हों, ठीक है। अब क्वेश्चन आएगा कि एक इलेक्ट्रॉन वाली बात हमने क्यों नहीं की, यानी कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर जो एक में क्यों नहीं लिए, एक इलेक्ट्रॉन पेयर में वो शेयर कैसे होएगा। अब देखिए यहाँ पे, ठीक है, अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन देख रहे हैं, तो अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन दो में कैसे की बात कर रही हूँ मैं, ये ए हो गया मेरा, ये बी है,
और ये बी है, ये बी अपना एक इलेक्ट्रॉन इसके साथ में शेयर करा है, ये यहाँ पे अपना एक इलेक्ट्रॉन इसके साथ में शेयर करा है, तो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन सेंट्रल एटम के द्वारा कितनी हो गई, दो हो गई, ठीक है। अब एक के द्वारा जो होगी वो मॉलिक्यूल प्रॉपर मॉलिक्यूल नहीं होगा, ठीक है। तो अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन किस तरीके से हो गए कि ए जो है उसने एक इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया, एक इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया, तो दो इलेक्ट्रॉन हो गए, यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर दो की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है। इसकी मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री कैसी हो गई, ऑब्वियस सी बात है कि भाई इसके अंदर कोई भी लोन पेयर नहीं है, एक ये हो गया, एक ये हो गया, दोनों बॉन्ड पेयर भी एक दूसरे से दूर दूर हैं, तो बॉन्ड पेयर रिपल्शन की भी बात नहीं हो सकती इसके अंदर। ऐसे जो भी मॉलिक्यूल्स होंगे, ऐसे जितने भी मॉलिक्यूल्स होंगे जिनके अंदर कोई भी तरीके का लोन पेयर नहीं हो और उनके अंदर क्या हो, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पेयर जो हो वो दो हो, उनकी स्ट्रक्चर होती है लीनियर। उनकी स्ट्रक्चर क्या होती है, लीनियर स्ट्रक्चर होती है, ठीक है। इनके अंदर कोई भी तरीके का लोन पेयर नहीं है, सिर्फ और सिर्फ बॉन्ड पेयर है, तो इनकी स्ट्रक्चर क्या हो गई, लीनियर। इसका एग्जाम्पल जो है, हम बहुत बढ़िया एग्जाम्पल लेंगे, वो है मेरा BeCl2, या फिर इसको मैं कह सकती हूँ HgCl2, ठीक है। अब इसका जो है समझ लेते हैं BeCl2 को, ठीक है, यहीं पे इसी पेज पे समझा देती हूँ, आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। बेरीलियम जो है, अच्छा एक चीज़ और मेन आपको बता देती हूँ, लोन पेयर के बारे में बहुतों को कन्फ्यूजन होता है कि लोन पेयर कैसे पता चलेगा हमें, कौन से मॉलिक्यूल के अंदर कितना है, ठीक है, वो भी अभी मैं आपको बता देती हूँ। बेरीलियम है, बेरीलियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, चार होता है, ठीक है। तो बेरीलियम का एटॉमिक नंबर है चार, उसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 1s2 2s2, वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गए 2s2, यानी कि इसके अंदर दो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, एक ये हो गया, एक ये हो गया। इसके बाद में है Cl2, क्लोरीन के पास में होते हैं सात वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, ये हो गए सात, ठीक है, सात वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ये हो गए। बेरीलियम ने क्या किया, इसके साथ में बॉन्ड बनाया, इसके साथ में बॉन्ड बनाया, हो गए कितना, BeCl2, और ये इनका स्ट्रक्चर बन गया लीनियर, नो लोन पेयर। अब देखिए लोन पेयर का कैसे पता चलता है, देखिए हमेशा ध्यान रखिएगा, फॉर एग्जांपल मैंने ले लिया, मैंने एक मॉलिक्यूल लिया NH3, ठीक है, इसमें नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है भाई, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, ब्रोम, कार्बन, नाइट्रोजन, सात होता है, ठीक है, सात होता है। तो इसके ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी, 1s2 2s2 दो चार और तीन 2p3, ठीक है। अब देखिए इसमें वैलेंस शेल कौन सी हुई, मैंने आपको बताया है वैलेंस शेल कौन सी होती है, लास्ट वाली, ये जो nth शेल होती है वैलेंस शेल होती है, ये हो गई मेरी n-1 शेल, ठीक है। nth शेल जो होती है वैलेंस शेल होती है, उसी के इलेक्ट्रॉन्स वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर s के अंदर तो दो इलेक्ट्रॉन हो गए, p के अंदर कितने हो गए, तीन इलेक्ट्रॉन हो गए, ये हो गया 2s और ये हो गया मेरा 2p, ठीक है। अब देखिए होता क्या, इसमें मुझे तीन h डालने हैं, तीन हाइड्रोजन एटम्स जो है मुझे इसके अंदर ऐड करने हैं। तो हाइड्रोजन एटम के पास में क्या होता है, हाइड्रोजन की 1s ऑर्बिटल जो होती है उसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है। तो तीन हाइड्रोजन जो है, ये तीनों हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन ये, एक हाइड्रोजन ये और एक हाइड्रोजन ये, तीनों के पास एक एक इलेक्ट्रॉन है, तीनों क्या करेंगे, अपना एक एक इलेक्ट्रॉन इस 2p को दे देंगे, या फिर यूं कहें 2p के साथ में शेयर कर लेंगे, और क्या करेंगे, इसके साथ में बॉन्ड बना लेंगे, ये बन गई NH3 के साथ में बॉन्ड, ये एक हाइड्रोजन, ये दूसरा हाइड्रोजन, ये तीसरा हाइड्रोजन। अब देखिए वैलेंस शेल जो थी उसमें तो 2s भी इंक्लूडेड है और 2p भी इंक्लूडेड है, 2p के इलेक्ट्रॉन तो काम आ गए, 2s के जो इलेक्ट्रॉन है वो काम में ही नहीं आ रहे हैं, वो बिल्कुल विले बैठे हैं, फ्री बैठे हैं, क्योंकि 2p के इलेक्ट्रॉन तो सारे हाइड्रोजन के साथ कंबाइन हो गए, तीन ही हाइड्रोजन हमें जोड़ने थे, तो उस वजह से क्या है, 2p के इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो हो गए हमारे पास में लोन पेयर। हमेशा ध्यान रखिएगा, बॉन्ड बनाने के लिए वैलेंस इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूशन करते हैं, अगर वैलेंस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन बच जाते हैं तो वो एज अ लोन पेयर होंगे, हमेशा वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स ही लोन पेयर होंगे, 1s जो है ये वैलेंस शेल के अंदर इंक्लूड नहीं होता तो लोन पेयर नहीं होगा। अब इसके अंदर मैंने बेरिलियम ले लिया, तो बेरिलियम की वैलेंस शेल कौन सी है, 2s वाली, तो 2s के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है वो तो काम में आ गए, 1s वाली जो कहते हैं कि भाई 1s के अंदर दो इलेक्ट्रॉन बचे होते तो लोन पेयर हो जाना चाहिए, ऐसा कभी भी नहीं होता है, 1s ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन्स कभी भी लोन पेयर के तरीके से काम नहीं करते हैं। ये समझ आ गया आपको, बहुत ईजी है, ध्यान रखिएगा। अब हम बात करते हैं दूसरा, नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन पेयर जब क्या हो, तीन हो, ठीक है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर तीन हो, तो इसका मतलब क्या हुआ कि लोन पेयर एक भी नहीं है अभी भी, इसका मतलब क्या हुआ भाई कि इसके पास में क्या हो, तीन एटम्स जुड़े हुए हों। तो इसका एग्जांपल AB3 का ले लेते हैं, एक दो और तीन, ठीक है। तो ये जो स्ट्रक्चर बनती है ये इस तरीके की स्ट्रक्चर बनती है, इस स्ट्रक्चर के अंदर जो बॉन्ड एंगल बनता है ए
बी और ए, बी ए बी के अंदर वो बनता है 120 डिग्री एंगल का। इसकी जो स्ट्रक्चर होती है वो इस तरीके से होती है। ये जो स्ट्रक्चर आपको बताई है ये नॉर्मल इसी तरीके की स्ट्रक्चर बनती है, और इस स्ट्रक्चर का जो नेम होता है बाकायदा इसका नाम होता है ट्राइगोनल प्लेनर। ये सारी की सारी रेगुलर स्ट्रक्चर्स के बारे में बात कर रही हूँ मैं, जिनके अंदर किसी भी तरीके का कोई भी लोन पेयर प्रेजेंट नहीं है। इसका एग्जाम्पल जो है वो है BF3, आप बना के देख लीजिएगा, बिल्कुल ऐसा का ऐसा ही बनेगा। अब बात करते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर जो है चार हों, जिसके अंदर चार होंगे तो उसके अंदर किस तरीके की स्ट्रक्चर बनेगी। ये हो गया इस तरीके से, ये चार है नंबर ऑफ बॉन्डिंग लाइन या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर। चार का मतलब क्या है, चार एटम जुड़े होंगे इसके साथ में, एक दो तीन और ये हो गया चार। तो ये जो है इस तरीके से एक दूसरे से कनेक्टेड रहते हैं, ये दोनों भी एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। कौन से वाले, ये दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं, ठीक है, और ये वाले इस वाले एटम से जुड़े होते हैं। इनकी जो स्ट्रक्चर होती है इसका नाम होता है टेट्राहेड्रल, ठीक है। हमेशा ध्यान रखिएगा जिसके अंदर चार इलेक्ट्रॉन पेयर हों विद नो लोन पेयर उसकी स्ट्रक्चर होती है टेट्राहेड्रल। ये सारी की सारी रेगुलर स्ट्रक्चर्स हैं, ध्यान से सुन लीजिए। इसका एग्जाम्पल होता है CH4 और NH4 पॉजिटिव, ठीक है भाई। अब आते हैं, बात करते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर जिसके अंदर हो पाँच। पाँच होंगे तो उसके अंदर पाँच एटम्स जुड़े होंगे, ऑब्वियस सी बात है। तो ये इस तरीके से जुड़े रहते हैं भाई, एक बी जुड़ गया इसके साथ में, तो ये दो तीन चार पाँच हो गए, पाँच जुड़ गए। ये इस तरीके से होते हैं एक दूसरे से कनेक्टेड, ठीक है। और ये जो है ये यहाँ से एक दूसरे से जुड़े होते हैं, ठीक है। ये हो गई कौन सी स्ट्रक्चर हो गई, ये इसका जो नाम होता है ये होता है ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। इसकी क्या होती है, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा जिसमें क्या हो, पांच एटम्स पांच इलेक्ट्रॉन्स हो उसकी स्ट्रक्चर इस तरीके की होती है, नो लोन पेयर। इसकी स्ट्रक्चर जो होगी वो भी ट्राइगोनल पिरामिडल, सॉरी बाई पिरामिडल। इसका बहुत इंपॉर्टेंट बहुत अच्छा एग्जांपल होता है PCl5, ठीक है भाई, समझ आ गया, बहुत इजी है। अब लास्ट आता है हमारा जिसके अंदर छः इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हों, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जिसके अंदर छः हों उसकी स्ट्रक्चर जो होती है वो इस तरीके की बनती है। छः इलेक्ट्रॉन से मतलब छः एटम्स जुड़े होंगे इसके पास में, तीन चार पाँच और छः, ठीक है भाई। इसकी जो स्ट्रक्चर होगी इसका नेम होता है ऑक्टाहेड्रल, ठीक है। और इसका जो एग्जांपल होता है वो होता है बहुत ही इम्पोर्टेंट SF6, ठीक है। ये टेबल आपको बिल्कुल अच्छे से ध्यान रखनी होगी, बहुत अच्छे से आपको याद करनी होगी ये टेबल, बिकॉज इसके अंदर बहुत इम्पोर्टेंट डिस्कशन है आपका, ठीक है भाई। ये सारी स्ट्रक्चर्स के नाम आप याद रखिएगा, दो इलेक्ट्रॉन पेयर हो तो लीनियर स्ट्रक्चर, तीन हो तो ट्राइगोनल प्लेनर, चार हो तो टेट्राहेड्रल, पांच हो तो ट्राइगोनल पिरामिडल, छः हो तो ऑक्टाहेड्रल। ये आपको ध्यान रखना है, ये नेम से भी आपकी जो है आ जाती हैं और उसमें एग्जांपल पूछ लिए जाते हैं, ये आपको याद रखना है। अब हम देखते हैं दूसरी टेबल जिसके अंदर क्या हो, लोन पेयर इंक्लूडेड हो, चलिए देखते हैं। चलिए भैया, अब इसके अंदर हम देखते हैं कि ज्योमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल, जिसमें मॉलिक्यूल जिसमें सेंट्रल एटम जो है उसके पास में लोन पेयर प्रेजेंट हो, भले ही वो एक हो, भले ही वो दो हो, भले ही वो तीन हो, ठीक है। तो सेंट्रल एटम जो है उनका अमाउंट जो है वो जितना हो उस अकॉर्डिंग उनकी स्ट्रक्चर जो है किस अकॉर्डिंग चेंज होगी, ठीक है। अब इसके साथ में हम इसको लेके बैठेंगे, इसको भी हम साथ में लेके बैठेंगे, बिकॉज हम जो है ये जो रेगुलर स्ट्रक्चर है इसी के रिस्पेक्ट में इनको स्टडी करेंगे, ठीक है। ये वाली टेबल सुंदर बनी है, ये वाली अच्छी नहीं बनी। चलिए सबसे पहले मॉलिक्यूल लेते हैं AB2E। इसके अंदर एक चीज़ आपको बहुत इंपॉर्टेंट समझाने वाली है, वो ये है कि AB2 तो मॉलिक्यूल है, ई जो है वो लोन पेयर को रिप्रेजेंट कर रहा है। किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, लोन पेयर को। AB2 तो हो गया, AB2 के अंदर ए तो हो गया सेंट्रल एटम और बी जो है वो है साइड एटम, ठीक है भाई, समझ आ गई ये चीज़। ए जो है वो है सेंट्रल एटम, बी जो है वो है साइड एटम, ठीक है, और ई जो है हर एक मॉलिक्यूल के अंदर ई जो है वो लोन पेयर को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये मत
ये मत सोचिएगा कि इस मॉलिक्यूल के अंदर ई तो कहीं पे भी नहीं आ रहा, ई तो स्ट्रक्चर के अंदर है ही नहीं, ठीक है। तो मैम ने गलत करवा दिया क्या, तो ई जो है वो लोन पेयर को रिप्रेजेंट कर रहा है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो सबसे पहले मॉलिक्यूल मैंने ऐसा लिया है जिसमें हो ए बी टू ई टाइप का, जिसके अंदर लोन पेयर क्या हो, सिर्फ एक प्रेजेंट हो। बॉन्ड पेयर जो है वो दो हैं, लोन पेयर जो है वो एक है, ठीक है। यानी टोटल कितना हुआ, तीन हुआ, यानी तीन जिसके अंदर भी इलेक्ट्रॉन की संख्या थी, यहाँ पे आ जाइए, तीन जिसके अंदर भी इलेक्ट्रॉन की संख्या थी उसकी स्ट्रक्चर क्या होनी चाहिए, ट्राइगोनल प्लेनर। ट्राइगोनल प्लेनर कैसी, ऐसी, जिसमें ए ये रहा, बी ये रहा, और ये ई जो है ये इलेक्ट्रॉन लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इसकी स्ट्रक्चर तो होनी चाहिए थी ट्राइगोनल प्लेनर, लेकिन इस लोन पेयर के रिपल्शन की वजह से इसकी स्ट्रक्चर हो जाती है बेंट। यानी कि ये देखिए, अगर इसको रिमूव कर दें तो दोनों के दोनों ऐसे प्रेजेंट है, तो ये बेंट स्ट्रक्चर ही हो गई एक तरीके की। तो इसकी शेप जो है वो हो जाती है बेंट, ओके। और इसकी जो एग्जांपल है वो है SO2 या फिर O3, SO2 या फिर O3 जो है इसकी एग्जांपल है। O3 की मैंने आपको रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनवाई है, उसका जब आप एग्जांपल देखेंगे तो आपको अच्छे से समझ आ जाएगा, ठीक है भाई। अब लेते हैं हम नेक्स्ट मॉलिक्यूल जो कि है AB3E। AB3E का मतलब क्या है, साइड एटम तीन है, मतलब बॉन्ड पेयर तो होंगे तीन, ई जो है एक ही प्रेजेंट है, मतलब लोन पेयर होगा एक, ठीक है। तो उसकी स्ट्रक्चर जो है टोटल कितना हुआ, इसका चार हुआ। चार के अकॉर्डिंग स्ट्रक्चर तो क्या होनी चाहिए थी, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होनी चाहिए थी, टेट्राहेड्रल, लेकिन एक लोन पेयर की प्रेजेंस की वजह से इसकी स्ट्रक्चर जाती है ट्राइगोनल पिरामिडल। और इसका एग्जांपल है, बहुत बेस्ट एग्जांपल है, वो है NH3, ठीक है भाई। अब देखिए AB3E जो है इसमें तीन और एक चार, चार की एक और अरेंजमेंट भी बनती है, चार है इसके अंदर, चार इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो इसकी एक और अरेंजमेंट बनती है, वो है AB2F2, ओके। तो इसकी अरेंजमेंट एक और क्या है, AB2E2। अब AB2E2 का मतलब क्या है, बॉन्ड पेयर तो कितने हैं, दो, और लोन पेयर भी इसके अंदर कितने होंगे, दो लोन पेयर होंगे, ठीक है। बॉन्ड पेयर हो गए इसके अंदर दो, लोन पेयर हो गए दो, इसका भी टोटल कितना है, चार है, इसका भी टोटल चार था, इसी की एक रिप्रेजेंटेशन है। इसमें क्या था, लोन पेयर एक था और इसके अंदर लोन पेयर दो हैं, टोटल तो इनका चार ही है, इलेक्ट्रॉन तो चार ही रहेंगे, लेकिन लोन पेयर का अमाउंट चेंज हो रहा है, ठीक है भाई। तो इसके अंदर लोन पेयर एक था, इसमें दो हो गई, इसकी भी स्ट्रक्चर जो है टेट्राहेड्रल होनी चाहिए थी, लेकिन दोनों लोन पेयर के रिपल्शन की वजह से इसकी स्ट्रक्चर जो है वो चेंज हो जाती है बेंट के अंदर। दोनों लोन पेयर एक दूसरे से दूर हैं, इसके अंदर मिनिमम रिपल्शन हो, इस वजह से दोनों एक दूसरे से दूर हैं, लड़ाई इनमें बिल्कुल कम हो, इस वजह से दूर हैं। इसकी स्ट्रक्चर देखो बेंट, इसके जैसे स्ट्रक्चर बन रही ना, ये जो यहाँ पे है इसकी स्ट्रक्चर बेंट बनी है, ये भी होगी इसकी बेंट स्ट्रक्चर। एग्जांपल जो है इसका वो है H2O की आप बना के देखेंगे आपको समझ आ जाएगा। नेक्स्ट जो हम एग्जांपल देखते हैं वो है AB4E। AB4E यानी पांच इलेक्ट्रॉन्स हो, जिसके अंदर बॉन्ड पेयर तो चार हो, लोन पेयर जिसके अंदर एक हो, ठीक है। उसकी स्ट्रक्चर चार और एक पाँच, पाँच टोटल जो है, पांच जो है हमारा ये रहा, पांच के अंदर होनी चाहिए थी स्ट्रक्चर ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, लेकिन इसकी शेप जो है लोन पेयर के रिपल्शन की वजह से हो जाती है सीसो। सीसो क्या होता है भाई, एक झूला होता है, सीसो झूला आपने पार्क वगैरह जो होते हैं उसके अंदर एक तरीके का, इस तरीके का झूला होता है, ये यहाँ पे इस तरीके से होता है, और यूँ कह सकते हैं कि इसमें जो है इस तरीके से बने हुए होते हैं, ये इस तरीके से बने होते हैं, एक बंदा यहाँ बैठता है, एक बंदा यहाँ बैठता है, ये नीचे जाता है तो ये ऊपर जाता है, ये नीचे आता है तो ये ऊपर जाता है, बिल्कुल वही वाली कंडीशन है। देखो इसके अंदर इस झूले को जो है, इसको ऐसे करके देखो, ये मैं आपको बताती हूँ, ये इसको ऐसे करके देखिए, ये लोन पेयर कहाँ गया, हीरा, ये लोन पेयर, इसको रिमूव करूँगी तो ये झूला ही बन गया, ये देखिए, और ये यहाँ पे डंडी हो गई इस तरीके से, ये झूला बन गया, ये एक ऊपर ये एक नीचे इस तरीके से, ठीक है। तो सीसो इस झूले को कहा जाता है, ठीक है। सीसो स्ट्रक्चर हो जाती है इसकी, इस लोन पेयर को अगर हटा के देखें तो इसकी स्ट्रक्चर सीसो टाइप हो जाती है। इसका एग्जांपल है SF4। अब देखिए AB4E टाइप के अंदर पाँच इलेक्ट्रॉन थे, तो इसमें एक लोन पेयर था, अब इसकी एक और अरेंजमेंट देखते हैं जिसके अंदर दो लोन पेयर हो, तो इसका एग्जांपल जो है वो कौन सा है भाई, एग्जांपल है AB3E2, जिसके अंदर तीन तो बॉन्ड पेयर हो, जिसके अंदर दो लोन पेयर हो, कुछ ज़्यादा ही ब्राइटन हो गया ये अभी, ठीक है, ठीक है। AB3E2 जिसके अंदर तीन बॉन्ड पेयर हो, दो लोन पेयर हो, तो ये दो लोन पेयर हो गए इसके अंदर, तो इसकी स्ट्रक्चर पांच हो गई टोटल इलेक्ट्रॉन। पांच के अंदर क्या है, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल है, जैसे इसके अंदर ट्राइगोनल बाई पिरामिडल है तो ट्राइगोनल बाई पिरामिडल होनी चाहिए थी, लेकिन लोन पेयर रिपल्शन की वजह से इसकी शेप जो है टी शेप की हो जाती है। देखो इसको रिमूव करोगे तो ये टी बन रहा है ना, ये देखिए इन्वर्टेड है पर थोड़ा सा टी बन रहा है ये, ठीक है। तो इसकी शेप जो है वो टी बन जाती है। तो ये हो गया AB3E2 टाइप का। अब आते हैं दो और एग्जांपल हमारे,
ये आता है पहला AB5E, यानी जिसके अंदर 6 इलेक्ट्रॉन्स हो, 6 में से कितने हो भाई, 5 तो बॉन्ड पेयर हो, 1 लोन पेयर हो। तो इसकी स्ट्रक्चर 6 के अंदर कितनी बताई हुई आपको, स्ट्रक्चर 6 है, ऑक्टाहेड्रल होनी चाहिए थी, लेकिन लोन पेयर और बॉन्ड पेयर रिपल्शन की वजह से इसके अंदर स्क्वायर पिरामिड इसकी स्ट्रक्चर हो जाती है। इसका एग्जाम्पल है BrF5, ठीक है। इसी तरीके से इसका दूसरा अरेंजमेंट, इसके अंदर भी 6 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन इसके अंदर बॉन्ड पेयर लोन पेयर 2 हैं, इसके अंदर लोन पेयर 1 था। जब इसमें लोन पेयर रिपल्शन होता है तो लोन पेयर 1 यहाँ जाता है, 1 लोन पेयर यहाँ जाता है। ऑक्टाहेड्रल होनी चाहिए थी इसकी स्ट्रक्चर, लेकिन लोन पेयर रिपल्शन जब एक दूसरे से दूर चले जाते हैं तो इसकी स्ट्रक्चर चेंज हो जाती है स्क्वायर प्लानर के अंदर, और इसका एग्जाम्पल होता है XeF4 का, ठीक है भाई। ये थे मेन बहुत इंपॉर्टेंट वेस्पर थ्योरी का डिस्कशन, जिसके अंदर हमने क्या किया, वेस्पर थ्योरी के बारे में पढ़ा, वेस्पर थ्योरी के पोस्टुलेट पढ़े, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल किए हमने। उसके बाद में हमने ऐसे मॉलिक्यूल्स देखे जिसके अंदर कोई भी तरीके का लोन पेयर नहीं हो, तो कैसी शेप होगी उनकी, रेगुलर होगी। ऐसे मॉलिक्यूल जिनके अंदर लोन पेयर प्रेजेंट हो, उनकी इररेगुलर या डिस्टॉर्टेड शेप होती हैं, ठीक है भाई। नॉर्मल बिल्कुल बेसिक समझा रही हूँ, मेरे अकॉर्डिंग आपको बहुत अच्छे से समझ आना आ जाना चाहिए, ठीक है। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक करना मत भूलिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, जितना हो सके उतना इसे शेयर करिए। मुझे कॉमेंट करके बताइए आपको कौन सा पोर्शन समझ बहुत अच्छा आया है और किसके अंदर आपको अभी भी डाउट हो रहा है, ठीक है। और जो न्यू है मेरे चैनल पर वो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, रेड जो बटन है उसको प्रेस कर दीजिए, ओके। ये थी मेरी वेस्पर थ्योरी के बारे में। अगर मुझे इसके एग्जाम्पल मिलते हैं अच्छे अच्छे बहुत इंपॉर्टेंट, तो मैं एग्जाम्पल आपको नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करवाऊंगी, ओके। इसके बाद हम करेंगे VBT थ्योरी। ये थी मेरी आज की वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।